हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आया हूं नया टॉपिक पर नई वीडियो दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक है गाइस यार सोल्डरिंग मशीन पर। दोस्तों यार सोल्डरिंग मशीन बनाने वाले हैं हम घर पे ही देसी जुगाड़ से। दोस्तों यार वीडियो को थोड़ा सा पूरी जरूर देखना, क्योंकि आप घर पे भी सोल्डरिंग मशीन बना सकते हो। किसी का मतलब वायर टूट जाए तो आप सोल्डरिंग करने के लिए मतलब देसी जुगाड़ से बना सकते हो घर पे। तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बिना आ जाए। और दोस्तों क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों हमें चाहिए एक ऐसी पेंसिल, कौन सी भी पेंसिल चाहिए, मतलब कौन सी भी ले सकते हो आप, नटराज वगैरह कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि गाइस इसका सिर्फ ये नाखून है ना मजबूत चाहिए, बिल्कुल ये नाखून समझ लेना। तो दोस्तों हमारे पास में ये नटराज पेंसिल है। और दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। इसके ऊपर पहले हमने यहाँ पर छेद करना है, छेद करने के बाद यहाँ से वायर डालनी है, वायर छील के और एक छेद को अलग रखना है, दो वायर लेनी है। जैसे कि ये पकड़ देख लो, ये वायर है, इस वायर को यहाँ पर छेद करके यहाँ पर डाल देनी है, एक को अलग रखनी है। तो दोस्तों हम देखते रहना वीडियो के अंदर। देखो हमने इसके अंदर जैसे छेद के अंदर इसको छेद करके हमने पहले से रख रखा है, और ये देखो, और ये वायर हमने बांध कर ये इतना लंबा तार ले लिया है, कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। और दोस्तों हम इससे दोस्तों हमें है ना यहाँ पर छेद करते समय है ना ये भिस्से फट चुकी है, तो भी यार गाइस यार काम चल जाएगा। दोस्तों आप भी छेद करें तो सोच समझ के करें, और ये फटे ना तो हमें तो है ना क्या ना छेद करते समय फट चुकी है तो भी कुछ नहीं, काम कर जाएगी। दोस्तों शुरुआत देखो, पहले इसको लाइट प्रवेश कर दिए, और यहाँ देखो देखो कितनी तेज इसकी बिजली चमक रही है। तो दोस्तों इस ये तार ले लिया हमने, सोल्डरिंग तार है ये, बिल्कुल ये मार्केट में कहीं पे मिल जाता है ये। और दोस्तों ये देखो देखो गाइस, सीधी कर देखो गाइस कितनी हीट हो रही है, और बहुत ज्यादा ये गर्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है गाइस। देखो देखना इसको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ, देखना ये देखो गाइस होगी ना। तो गाइस देखो आप भी घर पे कर सकते हो, और इस मतलब ये गाइस यार देखो ये फट चुकी है ना, जैसे ये नाखून भी टूट चुका है गाइस। तो आप इसलिए कह रहा हूँ छेद करें ना, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से छेद करें गाइस, ध्यान से छेद करें, क्योंकि यार ये देखो हमारे साथ में ये छेद करते समय ये फट चुकी है, तो ये यहाँ से देखो टूट के नाखून अलग हो चुका है। ये देखो ये फटने नहीं चाहिए गाइस यार, हमारे साथ में ये हुआ। तो दोस्तों आप भी कैसे छेद करें तो इसको फटने नहीं चाहिए, तो आपको समझ के इसको छेद करना है दोस्तों। तो यही था वीडियो के अंदर, घर पे ही बनाओ ऐसी सोल्डरिंग मशीन, कुछ भी वायर टूट जाए तो आप घर पे भी साधारण से सिंपल से सोल्डरिंग मशीन बना सकते हो। ये है ना मार्केट से आप कहीं से मिल सकता है, ये इलेक्ट्रिक दुकान में यहाँ पर कहीं पर मिल सकता है दोस्तों। और ये पेंसिल कहीं से भी है तो सिंपल से कहीं भी दुकान पर मिल जाती है, पढ़ने लिखने की तो चीज़ कहीं भी मिल सकती है दोस्तों। यार यही था आज का वीडियो के अंदर। और दोस्तों बैटरी का इस्तेमाल करना, लाइट का हमेशा इस्तेमाल मत कर लेना, और यहाँ से इस्तेमाल लाइट से इस्तेमाल करोगे तो वीडियो को देखकर आप कभी भी ट्राई मत कर लेना। और गाइस हमने किया सिंपल से बैटरी से इस्तेमाल। और दोस्तों यही था वीडियो के अंदर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार वीडियो नया टॉपिक के साथ में नए मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।